हम एक सोशल वर्कर है, वर्कर बंदे हमारे साथ सैकड़ों वर्कर है, मेरे साथ सैकड़ों वर्कर है जो हमारे एक आवाज़ पे, आप लोग को मीडिया वालों को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे एक लबैक पे हज़ारों निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम इस पार्टी में परफॉर्मेंस के साथ आए हैं, हम इस पार्टी में काफ़ी कुर्बानियों के साथ आए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले गवर्नमेंट में भी ये नाइंसाफियाँ हुई हैं सेटलर के साथ, पठानों के साथ, सराइकियों के साथ, और जितने आप जुबान उठा लें सबके साथ एक नाजायज़ हुआ है। चूंकि ये पार्टी जो है ये किसी एक बंदे का पार्टी नहीं है, ना एक कौम का पार्टी है, ना ये तासुबी पार्टी है, ये फूलों का, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये फूलों का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को हम लोगों ने सब ने मिल के चलाना था और मिल के चला रहे थे। बड़े अच्छे अंदाज के साथ हम आए थे, बड़े अच्छे बड़े दिल से हम आए थे, एक उम्मीद लेके आए थे। ना ये बलोचों का है, ना ये पठानों का है, ना ये सराइकों का है, ना ये सेटलरों का है, ना हज़ारे का है, ना ये उज़्बक का है, ना ये पारसीबान का, ये सब की पार्टी है। तो इस पार्टी को जितने हमारे पार्टी वाले थे सारे ये समझ के आए थे इस पार्टी में कि इस पार्टी में इंशाल्लाह हमारे इलाके के, चाहे पश्तून बेल्ट है चाहे और बेल्ट है, सारों के मसले इसमें हल होंगे। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि पिछले गवर्नमेंट में भी सेटलरों के साथ, मैं याद रखूंगा इनको साथ, और पश्तूनों के साथ मिनिस्ट्री में काफी नाजायजात हुए। आप इसको आटे में नमक कह सकते हो, फिर भी हम लोग इस आश्रय में रहे कि आज ठीक होएगा कल ठीक होएगा। फिर जैसे कि मीर कदूस साहब का, अल्लाह ने इनको मौका दिया, इनका टर्नओवर अब कुछ दिन पहले शुरू हुआ है। फिर अब मैं इनसे भी काफ़ी उम्मीदें थे, काफ़ी अरसे से हम लोग इसी में थे कि इंशाल्लाह चेंजिंग आएगा, अल्लाह इसको जो है एक बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन दो दिन से या तीन दिन से, शायद आप मीडिया वालों के नॉलेज में हो ना हो, हमारे नॉलेज में है कि वहाँ भी यही किस्सा होने वाला है जैसे कि पिछले गवर्नमेंट में हुआ है। यहाँ भी इग्नोर किया जा रहा है सेटलर को, पठान को, वही पुराना रिवायत चल रहा है, वही पुराना रिवायत हमें नजर आ रहा है। तो मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ मिलके ये ऐलान करना चाहता हूं, मैं एहतजाजी तौर पे अपनी पार्टी से इस्तीफा देता हूं, अपने सैकड़ों साथियों के साथ। क्योंकि हमारे इलाके, हमारी पसमानदगियां हमें पता है। फिर मैं अपना इस अपने 28 का आपको कहता चलूं, हमारे 28 के लोगों के साथ, हमारे 28 के नुमाइंदों के साथ जो आए हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसे महकमे नहीं मिले हैं, कुछ ऐसा नहीं मिला है कि वो कुछ कर सके। सेटलरों के साथ ज्यादातर हुआ है, पठानों के साथ हुआ है। आप आए हमारे पठान बेल्ट में आए, वो उधरी के उधरी कामे रुके हैं उसी तरह है, जो अपने तहत जो हमारे नुमाइंदे आए हैं उन्होंने कुछ खिदमत किया, जो जिस तरह से करना चाह रहे थे, भाग दौड़ था वो तो जो करना था उन्होंने किया, बाकी कुछ ऐसे तरक्याती काम नहीं हुए हैं, न तरक्याती इसमें कोई ऐसा हमें आगे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा है। तो लिहाजा मैं अपने साथियों के साथ इस पार्टी से रिज़ाइन देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि मेरे साथी सारे जितने हैं हमारे वर्कर सारे हमारे साथ हैं, और अल्लाह करे कि नए सेटअप में नए सीएम के शक्ल में इंसाफ होए और हम
चाहते हैं कि इंसाफ होए, ब्रोकर बीच में आए हुए हैं, ब्रोकरी ख़त्म हो जाए। ब्रोकरी से मुराद ये कि एडवाइज़र भी आ रहे हैं, काफ़ी वो भी आ रहे हैं जिनका हक़ है, अल्लाह करे कि उनको मिले, ना कि किसी ऐसे उसको मिले कि वो गलत उससे फ़ायदा उठाए। इस शहर के लिए अल्लाह करे कि एक बेहतर फैसला होए, इस सूबे के लिए बेहतर फैसला होए। और फैसला यही है कि हम ये चाह रहे हैं और हम चाहेंगे और हम इस चीज़ पे बिल्कुल डटते रहेंगे और खड़े रहेंगे कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ से सब कुछ मिलना चाहिए। जो मैंने आपको अभी बताया है कि पिछले गवर्नमेंट में भी हुआ है इसी तरह, इसमें भी हमें पता चला है। हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें इस तरह नाइंसाफिया नाम देख सकते हैं, नाम बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैं अगर अपना अभी जाहिर सी बात है, मैं एक ख़ास मौके पे आया हूँ, इसलिए मैं अपना ज़्यादा ज़्यादा बातचीत आपको नहीं बता सकता हूँ। ज़्यादातर मेरे इलाके के साथ कुछ भी नहीं हुआ इस पार्टी की तरफ से, ना मेरे इलाके में तरक्याती कामें हुए हैं, ना मेरे इलाके में तरक्याती कोई स्कूल आए हैं, कोई आपके सेंटर आए हैं, ना कोई ऐसे पक्के रोड बने हैं, ना पानी का मसला हुआ है। गैस जब से ये 3-4 साल से गैस, पिछले साल से इस साल गैस कम है, कुछ भी हमारे यहाँ पे नहीं है। तो लिहाजा मैं इस चीज़ को, एजेंडे को अपने इलाके का जो है वो हमें सब पता है, हम लगे हुए हैं अपने तहत, अपने व्हील पावर पे लगे हैं, वो तो लगे हैं सो लगे हैं। लेकिन ये बड़ी बेइंसाफी है कि हमारे जो नुमाइंदे आए हैं, हमारे इलाकों से आए हैं, उनको कुछ भी सही मिनिस्ट्रियाँ नहीं मिले हैं, उनको कुछ भी इंसाफ नहीं मिला है, और कुछ भी वहाँ पर जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो लिहाजा ये हम नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ और नाइंसाफ़ी होए। हम इस गवर्नमेंट को ये इतला देते हैं और ये पैगाम अपने वर्करों की तरफ से देते हैं कि खुदा रहा वर्करों का और इस पूरा जितने आपके काबिना है इसका ख्याल रखा जाए, इसमें कोई भी तासुबी वो ना होए। बड़ी मेहरबानी। देखिए सबसे पहले तो आप ये वाजे करें, गाड़ियाँ कौन इस्तेमाल कर रहे थे? ये वजीर इस्तेमाल कर रहे थे? वजीरों का बात कर रहे थे? देखिए प्राइवेट आप खुल के कहें ना, किसका कह रहे हो? जी देखिए उस पे तो मैं, देखो मुशीरे पे तो मैं नहीं आया हूँ, मैं इस चीज पे आया हूँ कि क्या मुशीरे क्या मिला है। जी पार्टी का, देखिए पार्टी का कौन सा, हमारे वजीरों को अगर कौन से अच्छी वजारत मिले? वजारत आप अच्छी वजारत किसको कहते हो? वासा को कहते हो? पीएचई को कहते हो? आप जंगलात को कहते हो? मीठा खान को अच्छा वो मिला था, महकमा मिला था? अजीतोर को अच्छा महकमा मिला था? नूर अहमद धुमड़ को अच्छा महकमा मिला था? सरदार मसूद को आप बताए ना, अच्छे महकमे कौन से आपको पता है? बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है, पता है। बिल्कुल मैं अच्छी वजारतों के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जो इलाकों में बैठे हैं, जिन्होंने वोट दिया है, जो पसमानदगी से मैं गुजरता हुआ आ रहा हूँ। बेशक मेरा इलाका ना हो, मेरा हल्का ना हो, लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल ये आवाज़ उठाता हूँ कि उनको अच्छे वजारतें मिलनी चाहिए। इसके लिए भी मैं आया हूँ और अपने हल्के के लिए भी आया हूँ कि मेरे हल्के में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। चूँकि मुझे अब जब ये पता चल रहा है कि इनके साथ भी दोबारा ऐसा होएगा तो फ़र्क नहीं हुआ। देखिए हम सबके लिए चाहते हैं, पहले हम सबके लिए चाहते हैं, सब हमारे यानी कि सब हमारे जो है जितने हैं सब हमारे भाई हैं, सब हमारे हल्के वाले हैं, सब पूरा बलूचिस्तान हमारा है। हम एक एक गली के लिए लड़ना चाहते हैं कि एक एक गली को अच्छा वजारत मिले। लेकिन जो आपको मैं इसका रीज़न मेन बताऊं, उसका मेन रीज़न ये है कि पश्तूनों के साथ, सेटलर के साथ नाइंसाफी हुई है, उसको कुछ भी सही मिनिस्ट्रियाँ नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल। देखे मैं शुरू से ये चीज कह रहा हूं कि मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि जो मेरे मुकाबले में मेरे इलाके में है मैं उसको इग्नोर करूं। मैं कहता हूं उसको भी अच्छा चीज मिलना चाहिए ताकि हमारे हल्के का खिदमत हो, क्योंकि मैं एक खिदमतकार, मैं एक वर्कर बंदा हूं। अगर उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको फंड मिलेगा, उसको कोई महकमा मिलेगा तो मेरे हल्के को मिलेगा। मेरे हल्के वाले आबाद होंगे, जो मेरे पास दिन रात आ रहे सैकड़ों लोग, तो उनके मसले हल होंगे, तो मैं सुकून से हूँगा। अच्छा
मसलन यानी कि जिन जिन जिनको पहले वाला महकमे मिले थे आप उनका बात कर रहे हो। देखिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उनको अच्छे महकमे मिले, क्योंकि उनके 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 मसाइल बहुत हैं, उनके उनको ऐसा महकमा मिले कि उनके इलाके का काम हो, इसमें बलूचिस्तान का काम हो। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि अच्छे बंदे को अच्छा महकमा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी के लिए नहीं चाह रहा हूँ। मैं देखे मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा मेरा एक एजेंडा है जो पिछले गवर्नमेंट में इग्नोर हुए हैं, इनको अभी चीज मिलना चाहिए। देखिए पिछले पिछले गवर्नमेंट में कुछ लोगों को, ज्यादातर पठान बेल्ट को, और मैं फिर रखूंगा कि हमारे सेटलर एरिया को कुछ नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, मैं बलोच भी मेरे भाई है, बलोचों को भी मिलना चाहिए, सबको बराबरी का मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबको बराबरी का मिलना चाहिए, लेकिन पिछले गवर्नमेंट में मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि आटे में नमक भी नहीं हुआ है पठानों के साथ, सेटलरों के साथ, सरायकों के साथ हुआ है। आप बताएं, मैं बैठा हूँ, किसने मैं एक आपको एक बात बताता हूँ, जब बंदा बीमार होता है, ठीक है ना, आप उसी टाइम जो डॉक्टर उसको डोज देता है, वो उसको कहता है घर तक पहुंचते पहुंचते आप ठीक हो जाओगे, तो कहता है ना हफ्ता इंतजार करो, फिर वो जाता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत फर्क हुआ, लेकिन फर्क तो नहीं हुआ, कहता है 5 दिन और इंतजार करें। ये पार्टी हमारी पार्टी है, मैं पार्टी का खिलाफ नहीं हूं, पार्टी एक गुलदस्ता है, जो पार्टी के चलाने वाले हैं उनको समझना चाहिए। नहीं देखिए, मुझे इस चीज का भी खदशा है कि हो सकता है दोबारा सिस्टम उसी तरह का चले, तो फायदा नहीं रहा। बलूचिस्तान में चेंजिंग आना चाहिए, देखो नए सीएम के शक्ल में चेंजिंग आना चाहिए। ये नहीं जरूरी कि ये चीज इसको दे दो, नहीं, वो टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं आप इसमें जो हमें अभी नजर आ रहा है एक दो दिन से, वो ये है कि वापस कुछ उसी तरह ही सिस्टम वापस बन रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। मैं चाह रहा हूं कि फर्क हो जाए, अच्छी अच्छा खासा फर्क हो जाए। ठीक है जी, सर नमाज भी नहीं पढ़ा है, कजा हो रहा है। जी 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 जी, आप उनकी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा भी देंगे, और अगर नहीं वजारत मिली तो ये, क्या वो लोग जिनके आप जिक्र कर रहे हैं वो इतने काबिल नहीं है कि वो अपना हक ले सके वहां पर, तो आप उनकी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? देखिए मैं उनका लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पूरे सुबह का लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके लिए मैं क्या लड़ाई लड़ूंगा। मैं कहता हूँ जिस जिस इलाकों में मैं गया हूँ ना, मुझे नजर आया है कि वहां पे पसमानदगी है। आपके साथी आगा साहब मेरे सामने बैठे हैं, आप इनको कहें मेरे साथ बात करें, इनके इलाके में क्या हुआ है। इनका इलाका मेरा इलाका नहीं है, मैं मस्तूंग में मेरे दोस्त यार दोस्त है, मस्तूंग का इलाका मेरा नहीं है, खुजदार मेरा नहीं है, हब मेरा नहीं है, पंजगुर मेरा नहीं है, मैं तो सब इलाके के लिए कर रहा हूँ, मैं तो ऑलराउंडर वर्कर बनता हूँ। नहीं जी नहीं जी, उसका नहीं 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 नहीं, देखे देखे आपने आपने मेरा पूरा स्पीच आप देख ले, ठीक है ना। मैं देखे अगर मेरे साथ टू द पॉइंट जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। देखो आपने टू द पॉइंट जवाब इसमें बनता नहीं है। देखे नूर मामा दुमड़ चाहे जो भी पठान हो, मैं सबके लिए खड़ा हूँ, चाहे जो भी बलोच हो, नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अच्छा दूसरी बात यह, मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँ, मेन पॉइंट आपको बताऊँ। देखिए अगर मेरे साथ मुझे कोई पार्टी वाले आते हैं मेरे पास, मुझे तसल्ली देते हैं कि इस तरह नहीं होगा जैसा आपका सोच है, मैं बिल्कुल अपना पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अगर पार्टी वाला मुझे मुतमईन नहीं करते हैं, बिल्कुल मैं रिजाइन देता हूँ।